नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 350 स्क्वायर यार्ड लैंड एरिया में बनी हुई 5200 स्क्वायर फिट कवर्ड एरिया की कोठी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कैंट बोर्ड से अप्रूव्ड है। इस प्रॉपर्टी में आपको मिलते हैं 7 बेडरूम, 5 वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम और उसके साथ दोनों ही फ्लोर में आपको किचन मिलता है और एक स्टोर रूम और मंदिर एरिया। बेहद जानदार शानदार कोठी है, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रखा है। उस कॉलोनी में हम हैं, उस एरिया में है जहाँ पे ये कोठी लोकेटेड है। पूरी कॉलोनी में आपको 30 फीट की रोड मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है इस कॉलोनी की। और ये प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेकर आए हैं देहरादून शहर में। इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है स्पेशियस। पूरे कमरे बहुत बड़े साइज के हैं, जितने भी रूम्स हैं इसमें। मार्बल और वुडन वर्क बहुत मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी में। पूरी प्रॉपर्टी का आप टूर लीजिए, आपको ज़रूर ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी। और जो लोग भी कोठी देख रहे हैं, अच्छी कॉलोनी में देख रहे हैं, अच्छी रिहायशी कॉलोनी में, तो उनके लिए प्रॉपर्टी है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, 5200 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर यार्ड में 7 बेडरूम की कोठी। आइए टूर लेते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं। ये है प्रॉपर्टी का एंट्री एरिया। साथ ही साथ आप देखोगे प्रॉपर्टी को लगभग 2 फीट उठा के बनाया गया है। 6 साल हो गए इसके कंस्ट्रक्शन को और आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी को देखेंगे तो एज इट इज आपको नई कंडीशन में लगेगी। जैसे ही आप अंदर में आते हैं आपको गाड़ी की पार्किंग मिलती है, 4 व्हीलर की पार्किंग है। अभी इस समय आप देख सकते हो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगी। ये तो छोटी गाड़ी लगी है, बड़ी गाड़ी भी आप लगाना चाहें यहाँ लगा सकते हैं। और एक ऑप्शन आपको इस तरफ भी मिलता है, यहाँ पे भी आप एक गाड़ी इजीली लगा सकते हैं। ओनर मेड प्रॉपर्टी है, ये बिल्डर ने नहीं बनाई है, ओनर ने खुद अपने लिए बनाई है इस प्रॉपर्टी को। पिछले 5-6 साल से इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, फैमिली अभी इस प्रॉपर्टी में रहती है। किसी पर्सनल कारण की वजह से वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। इस तरफ आपको मिलता है लॉन एरिया और पूरे तरफ से ये प्रॉपर्टी ओपन है। इस प्रॉपर्टी में अपनी सबमर्सिबल हो रखी है, तो पानी का कोई कमी नहीं है, पूरी आपको ऑल टाइम यहाँ पे वाटर मिलेगा। एक कनेक्शन यहाँ पे जा भी रखा है, तो वो कनेक्शन भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, बट क्योंकि सबमर्सिबल ऑलरेडी हो रखा है तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप अगर गौर करेंगे प्रॉपर्टी को देखते वक्त, तो रोड से 2 फीट तो प्रॉपर्टी उठी हुई है और जितना इसने स्पेस लेना था तो वो ले चुकी है प्रॉपर्टी। उसके साथ ही जैसे ही आप वेरेंडा में आते हैं तो अगेन 2 स्टेप उठ के फिर आपको वेरेंडा मिलता है। यहाँ आप इजीली बैठ सकते हैं, अपना रिलैक्स कर सकते हैं, सुबह की धूप का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है ये प्रॉपर्टी। आप देखोगे यहाँ पे वुडन वर्क कर रखा है, इधर भी विंडोज दे रखे हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं इस तरफ आपको मिलता है ड्राइंग स्पेस। ये ड्राइंग स्पेस है, ये आपका बेडरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बेडरूम के लिए एक सेपरेट यहाँ पे डोर दे रखा है। डबल डोर आपको यहाँ पे मिलता है, लगभग सभी एक्सटीरियर जितने भी डोर्स लगे सब में आपको डबल डोर्स मिलते हैं। तो आइए अंदर प्रॉपर्टी का टूर लेते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है एक ड्राइंग स्पेस। अभी आप देख सकते हो सारे सोफा सेट के अरेंजमेंट ऑलरेडी हो रखे हैं, तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ प्रॉपर्टी किस तरह की दिख रही है या कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है फर्नीचर्स वगैरह। बाकी अगर आप सीलिंग हाइट भी देखेंगे तो लगभग 12 फीट की दे रखी है, मतलब बहुत बड़ा सीलिंग हाइट है। इसका एडवांटेज ये रहेगा कभी आपको अननेसेसरी गर्मी नहीं महसूस होगी प्रॉपर्टी में। ऑल्दो ग्राउंड फ्लोर में हैं हम, तो वैसे भी आपको नहीं लगना यहाँ पे गर्म। जहाँ पे अभी हम ग्राउंड फ्लोर में हैं, यहाँ आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, एक इस तरफ, 2 उस तरफ। एक स्टोर रूम मिलता है बड़े साइज का, उसके साथ ही एक मंदिर स्पेस है और साथ ही आपको 3 वॉशरूम मिलते हैं। पूरी लाइटिंग वर्क यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है, फैंस वगैरह सब चीज़ें दिए हुए हैं क्योंकि फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है। जैसे ही आप इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको मंदिर का स्पेस मिलता है यहाँ पे, और बड़ा स्पेस है, आराम से आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपनी पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। ये आपको मिलता है स्टोरेज एरिया, बड़ा स्टोर रूम है। जैसे आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉशरूम। उसके साथ ही इस तरफ आपको मिलता है एक बेडरूम। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप बेडरूम देख रहे हैं ये सबसे छोटे साइज का बेडरूम है और साइज इसका है लगभग 12x13 के आसपास का ये बेडरूम है, सबसे छोटा साइज है। बाकी सब बेडरूम इससे बड़े हैं, इनफैक्ट एक बेडरूम तो ऐसा है जिसका साइज लगभग 20x14 के आसपास होगा। एक एंट्री आपको यहाँ से मिलती है जो हमने वेरेंडा से देखा था, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट विंडो यहाँ पे मिलता है, बड़े साइज के विंडोज लगे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है आपकी टर्नर रोड पे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस एरिया का कि आसपास पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर बनती है तो कैंट बोर्ड से उसका नक्शा पास करना पड़ता है,
और उसके साथ आपको जो बड़ा एडवांटेज मिलता है, हॉस्पिटल बहुत नजदीक है। हाईवे की अगर बात करेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, बाकी मेन रोड आपको हार्डली यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस में मिलती है। सभी लोकल नीड, जरूरतें सब आपकी यहाँ पे पूरी होती हैं, और बसा हुआ एरिया है, अच्छे खासे यहाँ पे आर्मी पर्सन, ज्यादातर आर्मी पर्सन यहाँ पे रहते हैं, और कोठियां कोठियां आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये हम डाइनिंग स्पेस में आ चुके हैं, बड़े साइज का डाइनिंग स्पेस है। यहाँ आपको मिलता है एक किचन, बड़ा किचन है, अभी मॉड्यूलर किचन नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, बट काम इसमें जैसे ये ग्रेनाइट वर्क कर रखा है, तो काफ़ी थिक ग्रेनाइट इसमें यूज़ किया गया है, और पूरे जगह आपको टाइल्स मिलती हैं, डबल सिंक मिलता है, इसको आप अपने तरीके से बना भी सकते हैं, और यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स वगैरह बना रखे हैं। इस प्रॉपर्टी में 5 बेडरूम तो ऑक्यूपाइड हैं, 2 बेडरूम रेंट पे चढ़े हुए हैं, वो छोटे साइज के बेडरूम हैं तो उनको रेंट पे चढ़ा रखा है ओनर ने। बाकी एक एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, इनकेस अगर आप नहीं चाहते फ्रंट से कोई एक्सेस करे तो इस तरफ से भी एक्सेस दे सकते हैं आप किसी को। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम तो वो देखा था आपने, और एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। इस बेडरूम में आप आते हैं तो इस बेडरूम का साइज भी 14x16 के आसपास है, बड़े साइज का बेडरूम है। साथ ही आपको इस तरफ स्टोरेज एरिया दे रखा है, यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह बना रखे हैं। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने तरीके से अलमीरा वगैरह भी बड़े साइज का बना सकते हो। ऑल दो आप देख सकते हो एक 6x6 का बेड लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है ये आप ड्रेसिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग यहाँ पे बना सकते हो, शू रैक वगैरह अगर आप बनाना चाहो छोटा मोटा बना सकते हो। ये आपको वॉशरूम दे रखा है, अगेन जो डोर यूज किया गया है इसमें वो भी पूरा टीक का बना हुआ है, और चौखट है पूरी साल की। अगर आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी डील ये आपके लिए होगी, एंड यूज पर्पस के लिए तो है ही बढ़िया क्योंकि अपने लिए बनाई हुई है, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप इस रेंज में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी बिल्ट इन हाउस में, तो दोनों ही लिहाज से ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। बाकी कुछ काम है इसमें जो आपको हो सकता है अपने अकॉर्डिंग करना हो, या अगर आप जिस समय मीटिंग के लिए बैठेंगे तो उस तरीके से वर्किंग वगैरह आपको करके दे दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको ये बेडरूम मिलता है, ये बेडरूम भी लगभग उसी साइज का है, लगभग 14x16 का आपको ये बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में आपको फुल सीलिंग हाइट तक वार्डरोब मिलती है। उसके साथ ही ये देखिए यहाँ पे मिरर वगैरह दे रखा है। बाकी बेड आपको 6x6 का यहाँ पे मिलता है, मूवमेंट करने के लिए बहुत आसानी है यहाँ पे, और वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए प्रॉपर आपका विंडोज यहाँ पे दे रखी हैं। एक और स्टोर रूम आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब 2 स्टोर रूम, एक बाहर वाला बड़े साइज का और एक ये हो गया, और एक ये वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलता है। अभी तो और है इस प्रॉपर्टी का टूर, बने रहिएगा क्योंकि और आपको अभी रूम्स हम दिखाएंगे, और भी चीजें, एक बड़े साइज का रूम अभी आपको मिलने वाला है। आइए, फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आपको 2 एंट्री दी गई हैं, एक तो प्रॉपर्टी के अंदर से आपके लिए एंट्री है, और उसके अलावा एक एंट्री आपको बाहर से मिलती है। तो बाहर से भी प्रॉपर स्टेज डेवलप करे हैं क्योंकि रेंट पे ऊपर का फ्लोर चढ़ा हुआ है, तो उनके लिए प्रॉपर स्टेज वहाँ पे बनाए गए हैं। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं ऊपर में, एक यही स्टेयर्स आपको ऊपर में टेरेस तक पहुँचाएंगे, आप टेरेस में जा सकते हैं यहाँ से। धूप आने के लिए प्रॉपर ग्लेजिंग दे रखी है तो धूप प्रॉपर आएगी। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो ये एक कॉमन पैसेज आपको मिलता है दोनों रूम्स में जाने के लिए, और एक बेडरूम ये है। आइए, इस बेडरूम में जैसे आप आते हैं तो बेडरूम आप देखेंगे बड़े साइज का बेडरूम मिलता है, मतलब इतने साइज का तो आप लगा लो लिविंग स्पेस होता है, बहुत बड़े साइज का बेडरूम है ये। लगभग अगर आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो 22 फीट तो ऐसे होगा, और ऐसे में 14 फीट होगा, तो बड़े साइज का बेडरूम आपको मिलता है। ये आप देख लीजिएगा आपके फैमिली में से कौन इस बेडरूम को ऑक्यूपाई करेगा। ये आपको यहाँ पे वार्डरोब्स दे रखे हैं, वुडन वार्डरोब्स हैं ये। उसके साथ ही यहाँ पे आपको टेलीविजन मिलता है, बाकी स्टोरेज के लिए यहाँ पे जगह मिलती है। थोड़ा सा सामान आपको बिखरे हुए मिलेंगे, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे विंडोज मिलती है, यहाँ पे भी विंडो मिलता है। इस तरफ आपको एक्सेस मिलता है बाहर बैल्कनी में जाने के लिए या ओपन टेरेस में जाने के लिए, और ये आपको मिलता है वॉशरूम। ये आपका फर्स्ट फ्लोर में 1 बेडरूम ये है, सेकंड बेडरूम वो है, और इसके उस तरफ आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। तो टोटल इस प्रॉपर्टी में 7 बेडरूम मिलते हैं, 2 ड्राइंग स्पेस मिलते हैं, ये एक और बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है, प्रॉपर सनलाइट वगैरह यहाँ पे है, यहाँ पे भी विंडो दे रखी है, दोनों तरफ भी छोटी छोटी विंडोज दे रखी हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस प्रॉपर्टी में, एक तो जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक है, मतलब 12-12 इंच के, 9-9 इंच के वॉल्स दे रखे हैं, और हाइट जो है 12.5 फीट तक दे रखी है। ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ कॉमन वॉशरूम है, अटैच है। तो दोस्तों ये है पूरी प्रॉपर्टी का टूर, 7 बेडरूम
बंगलो आपको मिलता है, बहुत बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी है, 350 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, जो लैंड साइज़ का इसका डायमेंशन है 42 फिट का फ्रंट है, और जो गहराई है, डेप्थ है, वो 75 फिट की है। बहुत अच्छा डायमेंशन माना जाता है ये एक परफेक्ट कोठी बनाने के लिए। 350 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है और टर्नर रोड पे लोकेटेड है। बहुत अच्छी कॉलोनी है ये। यहाँ आसपास सारे आपको ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स मिलेंगे, क्योंकि पुराना कैंटोनमेंट एरिया रहा है ये। आप आसपास देखेंगे, कभी अगर आपको वॉक करना हो, कभी घूमना हो, फिरना हो यहाँ पे, तो इजीली रिलैक्स होकर आप यहाँ पे इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके साथ ये प्रॉपर्टी कैंट बोर्ड से अप्रूव्ड है, तो इजीली आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी बैंक से इजीली फाइनेंस कर सकते हैं। कोई भी लोकल ज़रूरत, लोकल नीड अगर आपको चाहिए तो सब नियर बाय में मिलती है। बड़े हॉस्पिटल्स आसपास हैं, बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, जाने माने स्कूल्स आसपास आपको मिलते हैं। अगर आप रहने पर्पज़ से देख रहे हैं ओनर मेड प्रॉपर्टी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रॉपर्टी डेवलप करी गई है, मार्बल वर्क, वुडन वर्क, और प्रॉपर तरीके से मंदिर दिया गया है, स्टोरेज एरिया दिया गया है, किचन दे रखे हैं दोनों फ्लोर में, और साथ ही साथ रूम्स इतने बड़े बड़े हैं, अच्छे खासे आपको रूम्स मिलते हैं, डाइनिंग स्पेस, ड्राइंग स्पेस मिलता है। तो जब आप प्रॉपर्टी का लेआउट देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है अपने लिए। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में विजिट करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए और इस प्रॉपर्टी में विजिट कीजिए। बस एक दिन पहले आप हमें नोटिफाई कीजिएगा, ताकि हम भी कम्युनिकेट कर सकें फैमिली के साथ में। आई होप आपको इस प्रॉपर्टी का टूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।